हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, व्हाई डिड पाकिस्तान से सॉरी टू इंडिया? यार सॉरी तो बोलने से रहा है, नहीं, जो डूब रहा है, देखो जो डूब रहा है वो तो बोलेगा ही सॉरी। हाँ और क्या, अभी अपने ऊपर पड़ी है तो सॉरी। जब वो लोग डूब नहीं रहे थे क्या बोला था? नहीं बोला था। और डूबने के बाद अगर तैर गए, ऊपर आ भी गए, तो क्या उसके बाद क्या बोलेंगे? फिर वापस वैसी हो जाएंगे। तो चलो, पर इनका देखते वीडियो कि भाई ये क्या हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे ये चल क्या रहा है यार? फॉक चल रहा है। अरे नहीं यार, पाकिस्तान एक देश जो भारत को अपना जानी दुश्मन मानता है, जो सुबह शाम भारत में गजवाए हिंद करने की बात करता है, वो आज भारत की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहा है? Three wars that we have fought with India, we have learnt our lesson. We want peace with India so both nations can grow. कुछ तो गड़बड़ है। देखिए इस समय पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी समस्या चल रही है। उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उनका फूड स्टेबिलिटी सब डूब रखे हैं। Desperate Pakistan scrambles for food. हमने देखी है वीडियोस। Gilgit erupts in violence. Locals there protest against the government over inflation. Weeks of anger here over food shortage. ये देश और डूबेगा तो इसको साइंटिस्ट अटलांटिस घोषित कर देंगे। देखिए साल 2022 के बाद पाकिस्तान के लिए सबसे चैलेंजिंग साल रहा है, और इस साल तो इंडिया ने इनके साथ कुछ किया भी नहीं है। ये कुल्हाड़ी मोस्टली इन्होंने अपने खुद के पैर पे मारी है, और इसलिए मुझे लगता है कि आज भारत की तरफ ये इतना दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है और अपनी गलती मानी जा रही है। लेकिन कुत्तों के धूमर राहुल गांधी के इंटरव्यू की तरफ पाकिस्तान भी कभी साला सीधा नहीं हो सकता, इसलिए भिकमंगे बनने के बाद भी कश्मीर मांगना नहीं छोड़ रही है लोग। तो आइए पाकिस्तान में चल रहे इस क्राइसिस को समझने की कोशिश करते हैं, और इंडिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये भी देखते हैं। ये वाला तो बड़ा ही अच्छा है यार, ये जब दिखाते मुझे याद आ रहा है। और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो आइए पाकिस्तान में चल रही क्राइसिस के पीछे जो फैक्टर्स हैं उनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली है पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस। आयरोनिकली एक साल पहले इमरान खान ने बोला था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन भारत से कहीं बेहतर है, लेकिन जैसा कि एक फेमस पाकिस्तानी फिलोसोफर ने बोला है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इस समय बहुत खस्ता है। इट्स इकॉनमी इज इन डायर स्ट्रेट्स, देयर इज नो मनी लेफ्ट फॉर इंपोर्ट्स। An acute energy crisis has gripped the country. पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हिस्टोरिक लो लेवल तक पहुंच चुके हैं, और उनके पास सिर्फ 3 हफ्ते तक इंपोर्ट करने के फॉरेन रिजर्व्स बचे हैं। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% गिर चुकी है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्पेंडिंग 50% गिर चुकी है, क्योंकि सारा पैसा तो कर्जा चुकाने में और फॉल्टी रॉकेट्स बनाने में खर्चा हो रहा है। इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 30% तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान इस समय रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ डेट में जा चुका है। इस समय मैं गरीब हूँ मीम वाला लड़का भी पाकिस्तान के सामने बिल्कुल अंबानी लग रहा है। इनके हालात इतने खराब चल रहे हैं कि इनको एम्बेसी बेचनी पड़ रही है पैसे कमाने के लिए। इस्लामाबाद हैज गॉट 3 bids फॉर इट्स वॉशिंगटन प्रॉपर्टी फॉर अ बिल्डिंग दैट वंस हाउस्ड द डिफेंस सेक्शन। लिया किसने? मैंने सुना कोई पाकिस्तानी नहीं ले लिया। सुना है ओयो रूम्स वहां पर कमरे किराए पे देने वाला है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंडिपेंडेंस के समय से इनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं होती। पिछले 10 साल में भी देश के 6 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। तो पाकिस्तान की किसी भी पार्टी के पास ये टाइम नहीं रहता कि कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को डेवलप किया जा सके। ऊपर से पावर में आने के लिए ये लोग अपनी जनता को फ्री की चीजें प्रॉमिस करते रहते हैं, जिस वजह से इनको और कर्जा लेना पड़ता है। इस देश को और इस देश को चलाने वाली आर्मी का सारा फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह की फंडिंग की तरफ हो रखा है, और इन रीजंस के साथ साथ खासकर 2022 में भी कुछ और रीजंस हुए हैं जिस वजह से ये क्राइसिस हो रखा है। उनमें से एक बड़ा रीजन है फूड शॉर्टेज। याद कीजिए कुछ महीने पहले ही भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवी बड़ा खुश हो रहे थे कि कुछ हंगर इंडेक्सेस में इंडिया पाकिस्तान से भी पीछे चला गया है। हंगर इंडेक्स रैंकिंग इज फेक, दिस फॉर्मूला प्रूव्स इट। इफ मोदी इक्वल्स करंट गवर्नमेंट देन ऑल नेगेटिव रैंकिंग्स इक्वल्स फेक न्यूज एंड ऑल पॉजिटिव रैंकिंग्स इक्वल्स ट्रू न्यूज। नाउ टू इंडिया वेयर फिगर्स शो इट इज बैकस्लाइडिंग in its fight against malnutrition. 107वां पायदान मिला इंडिया को आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ऑब्वियसली काफी गुस्सा था, काफी आक्रोश था, इसलिए नहीं क्योंकि रैंक खराब आया, इसलिए क्योंकि एडिशनल जो बेइज्जती हुई हमारे देश की। नेपाल की रैंकिंग 81, श्रीलंका की रैंकिंग 64। लेकिन फिर से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सिचुएशन इतनी खराब हो रखी है कि फूड ट्रक्स को लूटा जा रहा है, फूड ट्रक्स को आर्म गार्ड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ग्रेन्स के गोडाउन के आसपास भगदड़ मच रही है, लोगों की जाने जा रही है। From onion to milk, prices of daily items are burning a hole in average Pakistani's pocket. Onion prices rose to 202 Pakistani rupees from 36.7 Pakistani rupees. यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने तो लोगों को चाय पीने से भी मना कर दिया। मैं ये भी कॉम से अपील करूंगा
कि हम चाय की एक एक प्याली, बड़ा पुराना है तो शुरुआत का था, क्योंकि जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं छह सात महीने कम से कम पुराना। बताइए अभिनंदन की एक कप चाय पाकिस्तान को कितनी भारी पड़ रही है। तो ये फूड शॉर्टेज के पीछे कारण क्या है? देखिए मेन कारण है जो पाकिस्तान में पिछले साल बाढ़ आई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर कोटेड थ्री मेन रीजंस इन एन इंटरव्यू। बाढ़ से नहीं होता इतना, फूड इन्फ्लेशन वाज ऑलरेडी हाई एंड फ्लड्स फर्दर इंपैक्टेड द क्रॉप, the continuing Ukraine war and a rise in food prices globally. और क्योंकि पाकिस्तान के पास forex reserves नहीं है, इसलिए जहाजों में जो ये grains import भी कर रहे हैं वो unload नहीं किया जा रहा है, क्योंकि government उस grains के पैसे नहीं दे पा रही है। कराची से जहां बंदरगाह पर दरामदी प्याज, अदरक और लहसुन के 417 कंटेनर्स फंस गए। कमर्शियल बैंक जर मुबादला ना होने का जवाब बनाकर दस्तावेजात नहीं कर रहे। और ये सारी प्रॉब्लम एक ऐसे समय पर हो रही है जब पाकिस्तान में बहुत पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। देखिए जैसा की हमने पहले भी बोला की पाकिस्तान हमेशा से ही पॉलिटिकली अनस्टेबल रहा है। पाकिस्तान के पहले 11 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, पिछले 10 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान के टोटल 22 प्राइम मिनिस्टर्स में से एक ने भी पूरा 5 ईयर टर्म कंप्लीट नहीं किया है कभी। ये ट्रेंड इमरान खान के साथ भी जारी रहा, जो तब्दीली की बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन सारे पुराने प्राइम मिनिस्टर के साथ उनको भी चलता कर दिया आर्मी ने। लेकिन इमरान खान ने भी डिसाइड किया कि भैया मैं डूबूंगा तो पूरे पाकिस्तान को लेके डूबूंगा, तो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बेसिकली एक जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी को अमेरिका का गुलाम बोलना शुरू कर दिया है। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। तो ऐसे ही पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर प्रेशर बना हुआ था, उसके ऊपर से जब इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई और आर्मी के खिलाफ गुस्सा और भी बढ़ गया। फ्यूरियस इमरान सपोर्टर्स वर सीन क्लाइंबिंग अटॉप आर्मी टैंक्स एंड वैंडलाइजिंग देम। पाकिस्तान आजाद नहीं है। यहाँ तक कि इमरान खान तो हमेशा प्रो तालिबान भी रहे हैं। तो जब वो तालिबान की हुकूमत आई तो ये पहली दफा एक ऐसी हुकूमत आई जो प्रो पाकिस्तान थी। हमारे इनसे ताल्लुकात थे क्योंकि हमने इनकी अमेरिकन से भी और गनी हुकूमत से भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट की थी टॉक्स। और इमरान खान का जो तालिबान के लिए सपोर्ट है वो ऐसे समय पर आ रहा है जब तालिबान की ताकत पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। जो सांप पाकिस्तान ने पाला था अमेरिका और इंडिया पर अटैक करने के लिए, वो सांप अब बेसिकली पाकिस्तान को निगलने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में आतंकवादी अटैक्स भी बहुत बढ़ गए हैं। देखिए जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा तब अफगानिस्तान वापस तालिबान के कंट्रोल में आ गया। उसके साथ साथ तालिबान के पास अमेरिका के कई वेपन्स, कई मशीनरी, कई गाड़ियां वगैरह भी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके अब वो पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान को अटैक क्यों कर रहे हैं? देखिए हालांकि तालिबान को पाकिस्तान की मदद से बनाया गया हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तालिबान अफगान नेशनलिस्ट हैं, जो कि ये मानते हैं कि पाकिस्तान का जो पश्तून मेजॉरिटी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसको वापस अफगानिस्तान में जुड़ जाना चाहिए। वो ये भी मानते है कि अगर अमेरिका के 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बावजूद अमेरिका उनको खत्म नहीं कर पाया और उन्होंने वापस अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो पाकिस्तानी आर्मी किस खेत की मूली है? हम पाकिस्तानी आर्मी को भी हरा सकते हैं। देखिए इन सारी प्रॉब्लम्स ने आर्मी की हालत बहुत खस्ता करके रखी हुई है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तानी आर्मी को पिटने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है। इस तरह की पिटाई के कई एग्जांपल्स हैं और आज मैं आपको इस तरह का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सजेस्ट करना चाहता हूं। इसलिए टुडेज वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कुकू एफएम, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। और आज का ऑडियो शो रिकमेंडेशन है कारगिल वॉर सागा, जिसमें किस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान की धुलाई की थी कारगिल वॉर में, वो काफी अच्छे से दिखाया गया है। और देखिए ऑडियो शोज यार मुझे पर्सनली बहुत इसलिए पसंद है क्योंकि आप ऑडियो शोज को कहीं भी कुछ भी करते हुए सुन सकते हैं। एंड यू कैन लर्न न्यू थिंग्स व्हाइल यू आर वर्किंग, एक्सरसाइजिंग, चाहे आप टॉयलेट पे बैठे हुए हो या कुछ भी कर रहे हो। सो स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग द स्मार्टेस्ट पर्सन इन एनी रूम दैट यू आर इन, और कुकू एफएम का ये ऑफर इस्तेमाल करें। अगर आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करते हैं, कुकू एफएम के ऐप पर जाकर साइन अप करते हैं, कोड SSS50, अगेन कोड SSS50 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आपकी मेंबरशिप पर 50% ऑफ यानी 399 पर ईयर के बजाय आपकी मेंबरशिप मिलेगी आपको सिर्फ 199 पर ईयर में। तो आज ही एक स्मार्ट गीगा चैट बनने की तरफ कदम उठाना शुरू करें और कुकू एफएम ज्वाइन करें। और याद रखिए कि ऑलरेडी बलोचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान में, सिंधी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान में, पश्तून भी कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये हो सकता है कि जो पश्तून प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपना सपोर्ट तालिबान को देने लगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि बेसिकली पाकिस्तान में एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और पाकिस्तानी तालिबान का तो इतना कॉन्फिडेंस है जीत का कि उन्होंने तो पाकिस्तान में एक पैरेलल गवर्नमेंट अनाउंस कर दी है। द पैरेलल टीटीपी गवर्नमेंट हैज आल्सो अनाउंस्ड इट्स ओन कैबिनेट, अ कैबिनेट व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, देयर इज डिफेंस, जुडिशियरी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, a fatwa issuing authority,
even a department of construction. What this department will construct. Perhaps a wall marking its territory. तो बेसिकली इन सारे फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान में इस समय पर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही है और हालत ऐसी है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पाकिस्तान में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे हालात में इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाना, अपनी गलती मानना, ये सब बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये दोस्ती का हाथ सिर्फ जो क्राइसिस चल रही है पाकिस्तान में उस वजह से बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, एटमी ताकत पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रही है इस समय। आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। सबसे पहले घबराना नहीं। तो पाकिस्तान इस समय बहुत सारे ऐसे देशों के पास जा रहा है पैसे मांगने के लिए जिनका इंडिया से अच्छा रिलेशनशिप है, और अगर ये बार बार इंडिया को धमकी देते रहेंगे, इंडिया के साथ जंग की बात करते रहेंगे, इंडिया में बात फैलाने की बात करते रहेंगे, तो बहुत सारे देश हैं जो इनको पैसे नहीं देना चाहेंगे। खासकर इसलिए क्योंकि जिस बात को फंडिंग दे रहा है पाकिस्तान, वो बात अब इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान के बाकी पड़ोसी देशों में भी जा रहा है। एक और रीजन ये क्यों इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तब इंडिया ने कैसे श्रीलंका की मदद की थी। इंडिया ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे अपने कई पड़ोसियों की भी हाल में मदद की है। इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं कि वो पाकिस्तान की मदद कर सके। तो पाकिस्तान होप कर रहा है कि ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने का ड्रामा करके हमको भी थोड़ी मदद मिल जाए इंडिया से। लेकिन इंडिया को भी शायद ये समझना चाहिए कि यही टोटका मोहम्मद घोरी भी पृथ्वीराज चौहान के साथ इस्तेमाल कर चुका है। और याद रखिए, जैसे ही मोहम्मद घोरी वापस ताकतवर पोजीशन में आया तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ दोस्ती करने के बजाय उसने क्या किया था? एक बहुत फेमस कहावत है कि जिस समय आपका दुश्मन गलती कर रहा हो उस समय उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस समय इंडिया को अपने वेस्टर्न बॉर्डर को स्ट्रांग बनाकर रखना चाहिए, वहां पर बढ़िया आर्मी प्रेजेंस रखना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आतंकवाद पाकिस्तान में चल रहा है वो इंडिया के बॉर्डर में ना आ जाए। इनफैक्ट इंडिया को तो ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और एक कमजोर पोजीशन में है तो किस तरह से इंडिया अपनी स्ट्रांग पोजीशन का इस्तेमाल कर सकता है। एक ऑप्शन इंडिया के पास है कि इंडिया बोले कि हां भाई, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस जम्मू कश्मीर में कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। देखिए, इस सिचुएशन में सबसे पहले इंडिया को अपने इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है इंडिया की तरफ, इस पर इंडिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, आप पाकिस्तान में हो रही इंस्टेबिलिटी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके जरूर देख सकते हैं और भी वीडियोस। अगर आप श्याम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पे क्लिक करके चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहे, सुखी रहे। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और आप सबको यार हम तो नहीं घबराएंगे, हमने क्या घबराना है, हमको देखे मजे ले रहे हैं भाई कि कैसे इन्होंने जो इतने सालों से किया था अब उसका रिजल्ट इनको मिल रहा है। कई बारी वीडियोस ऐसी देख लेते हैं जो थोड़ा इमोशनल कर देती हैं कि भाई खाने को नहीं है, पर आपके कमेंट्स में भी मैं पढ़ रही थी, वो भी बात सही है कि जो तुमने किया है उसी का रिजल्ट आ रहा है। जो इंडिया में तुमने दुश्मनी की, अपने लोगों के अंदर हेटरेड फैला के जो किया हुआ है वहाँ की जनता के अंदर, तो मगर फ्लड का बोलकर उनके पास प्लेज वो भी पैसे ये भी आप लोग कमेंट्स में था कि ये इतना अच्छा इनको बहाना मिला हुआ है, कोई पता नहीं कि उसको जान पूछ के बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो कि पैसा फ्लड की वजह से उनको पैसा मिल गया। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफलाइन थोड़ी बढ़ गई है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। वो लाइफलाइन को यूज करते हैं लोगों के लिए कि फिर भी उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर बोलेंगे वो डाउटफुल है। मगर जो भी दे रहे हैं उनका प्लान तो ये है कि मॉनिटर करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि उनका पैसा सही जगह पे जा रहा हो, पता नहीं कितना कर पाएंगे, कुछ नहीं होना। और वो आटा ही नहीं ठीक तरह लोगों को सप्लाई कर पा रहे, एक आटा ही नहीं सप्लाई कर पा रहे, उन्होंने इतना पैसा कहां से ठीक करना है? क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता है कि पैसा आए जिससे वो अपना कर्जा जो है उसका इंटरेस्ट चुका पाए, कर्जा तो एक्चुअल तो नहीं, मतलब इंटरेस्ट चुका पाए जिससे चलता रहे काम, उनको उसके लिए पैसा चाहिए, वो मिल नहीं रहा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और जैसे सिचुएशन तो ख़राब हो रही है, जैसे आटे की प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे श्रीलंका वाली फुटेज झिड़ आनी शुरू होगी। आटा जो था एग्जांपल था, श्रीलंका प्रॉब्लम आई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पेट्रोल अगला होता है, पेट्रोल में लाइन लगती है तो पता चलेगा कि
उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वी विल सी क्या हो रहा है। और इसमें जो उन्होंने वीडियो में वो दिखाया था ना, यूं करके कटोरा लेके कार्टून से बनाई थी, बड़ी फैंटास्टिक थी, मजेदार था। और वो जो स्पीच में कि मैं फोन करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि भाई मांगने के लिए किसी को दोस्त, वो तो सही में एक्चुअली बोला था एक बार। हाँ, और सच्चाई यही है, जो हम बोल के मजाक उड़ाते थे यहाँ इंडिया में बैठे हुए, वो वाकई में हकीकत थी, और अब उन्हीं के मुंह से ही सुनने को मिल रहा है वहां पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पीएम से। कमाल है यार। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।